विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज चुनावी दौरे पर हैं। इस कड़ी में शुक्रवार रात एक बहस कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय इंदौर पहुंचे। इसके बाद फुर्सत मिलते ही एमटीएच कंपाउंड स्थित चाय की गुमटी पर पहुंचे और चाय पर चुनावी चर्चा की। इस दौरान उनके साथ बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार भी मौजूद थे। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। हमारी लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है, असंतोष का मतलब है कि हम उसे अभिव्यक्ति देते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन असंतोष का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसने 10 लाख करोड़ के घोटाले केंद्र की सरकार में किए हों, जिसने पॉलिसी पैरालिसिस का एक नया उदाहरण पेश किया हो, मध्य प्रदेश में जिसका शासन अंधेरे का साम्राज्य था, जिनके चेक बाउंस हो जाते थे, नौकरियों पे भर्तियों पे रोक थी, तो वो शासन कोई नहीं चाहेगा। वो बुरा अनुभव, वो कड़वा अनुभव, वो गड्ढेदार सड़कें, वो अंधेरी काली रातें आज भी लोगों के स्मृति पटल पर है और कोई कांग्रेस की सरकार अब लाना नहीं चाहेगा। बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने किया अरुण यादव के पक्ष में आम सभा को संबोधित। सभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा और अगर नहीं करा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। हजारों की संख्या में लोग यहां राहुल गांधी जी को सुनने आए थे। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह शुक्रवार को शहर में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में व्याप्त कमियों की जांच को लेकर जिला चिकित्सालय और बस स्टैंड पर पहुंचे। विशाल सिंह ने सुलभ कॉम्प्लेक्स में पहुंच अव्यवस्थाओं को देखा और उचित दिशा निर्देश दिए। विशाल सिंह ने कहा है कि कुछ जगह कमियां पाई हैं, जिसके सुधार को लेकर निर्देश दिए हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। और शहर के सभी शौचालय जो है वो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें कमियां हैं ताकि और बेहतर किया जा सके और उसी के अनुक्रम में आज इंस्पेक्शन कराए। जैसे अभी जिला अस्पताल में करा, क्या देखा गया आपको, क्या मिला? लगभग चीजें ठीक है, कुछ जगह टॉयलेट सीट्स वगैरह में कुछ परेशानी थी तो बताया है तो वो ठीक हो जाएंगी जल्दी। आज भोजपुर विधानसभा के मंडीदीप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पचौरी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का ऋण 10 दिन में माफ किया जाएगा। सुल्तानपुर से वीके जोशी की रिपोर्ट। SECL विश्रामपुर क्षेत्र की कुंदा खदान में साइट फॉल होने के कारण दो खान श्रमिकों की हुई मौत। बताया जाता है कि SECL की विश्रामपुर कोयला खदान की कुंदा खदान में प्रथम पाली में कार्य कर रहे थे, तभी साइट फॉल होने के कारण दो खान श्रमिक की मौत हो गई। अन्य चार श्रमिक घायल हैं और कुछ श्रमिकों के खान के अंदर फंसे होने की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ से आर स्टीवन की रिपोर्ट। मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दुख दर्द और तकलीफ अच्छे से जानता हूं। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बेरोजगार को प्रति माह 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बेटियों की शादी के लिए 51000 दिए जाएंगे। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, किसानों का बिजली का बिल आधा माफ किया जाएगा। उक्त विचार किसान पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी खातेगांव विधानसभा ओम पटेल ने अपने जनसंपर्क के दौरान ग्राम कणा रामनगर जामनेर दुलवा जामनेर में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामवासी एवं किसान भाइयों के बीच व्यक्त करते हुए कहा है कि आपका आशीर्वाद निश्चय ही इस क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। मैं पिछले 10 दिनों से सतत जनसंपर्क में जुटा हूं, प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आज भी हमारे लगभग इस जनसमर्थन में 32 गाँव का हमारा दौरा है, जिसमें भी हम 11:30 बजे से हमने शुरुआत की, आज हमारा तीसरा गांव है। इसी प्रकार ये शाम तक कारवा बढ़ता जाएगा। सतत जनता का आशीर्वाद, मतदाताओं का आशीर्वाद और जनसमर्थक शाम होते होते जनसेलाब के रूप में बढ़ा।